अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 HTML नो परिचय, उसका पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे, पार्ट 1 में हमने देखे थे कि बेसिक इंटरनेट की चीज़ें क्या क्या होती है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, WWW क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब सर्वर क्या है, वेबसाइट, वेब पेजेस, होम पेज, हाइपरलिंक, HTML। थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले था इंटरनेट, मतलब एक बीजे साथ जोड़ा कंप्यूटर होना समूह ने नेटवर्क कहे थे। उसके बाद था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, और उसकी स्थापना यानी कि उसका विकास कब हुआ था, 1991 में स्विट्जरलैंड में टीम बर्नर्स ली द्वारा करवामा आव्यो हतो। उसके बाद WWW ने परिभाषा विषय जोईए तो सबसे पहले था वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब कि हमको अगर इंटरनेट का यूज़ करना है, किसी वेबसाइट को ओपन करना है, तो हम डायरेक्टली उसको ओपन नहीं कर सकते, हमको किसी ब्राउजर का यूज़ करना पड़ेगा। और ब्राउजर का दूसरा नाम क्या है, वेब क्लाइंट। ब्राउजर के एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, वो सब क्या है, ब्राउजर है, वो सब वेब ब्राउजर है। उसके बाद था वेब सर्वर, मतलब वेब सर्वर मतलब क्या, वहाँ पे जहाँ पे हमारी वेबसाइट जितनी भी है वो सब वहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद था वेबसाइट, मल्टीपल वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनती है। उसके बाद था वेब पेजेस, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पेज वेबसाइट का, तो उसको बोलेंगे वेब पेज। सिंगल पेज होगा तो वेब पेज, और मल्टीपल पेजेस को मिला देंगे तो क्या बनेगी, एक वेबसाइट। उसके बाद था होम पेज, होम पेज मतलब वेबसाइट का सबसे पहला पेज जो होगा उसको बोलेंगे होम पेज। उसके बाद हाइपर लिंक, हाइपर लिंक मतलब किसी और वेब पेज का एड्रेस जो होगा, जो ब्लू कलर के लिंक में आता है, तो उसको बोलेंगे हाइपर लिंक। मतलब जैसे ही आप उस ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक दूसरा पेज वो ओपन होगा, यानी आपको वो पेज के ऊपर वो लेकर ले जाएगा। उसके बाद था HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसमें हमने देखे थे बेसिक सिंटेक्स या टैग कैसे हमको डिफाइन करना है, उसमें अलग 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 काम करने के लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। ये वीडियो हम लोग देखेंगे आगे कौन सा टैग क्या यूज करते हैं उसका। उसमें सिंटेक्स थी जैसे कि टाइटल टैग का हमने देखे थे एग्जाम्पल, टाइटल टैग को स्टार्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो भी टाइटल हमको देना है वो टाइटल लिखे थे, और बाद में टाइटल टैग को हमने बंद किए थे। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखे थे कि HTML दस्तावेज जो होता है उसका माड़खू यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक। सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट करना है। HTML में दो पार्ट होते हैं उसके, फिर एक होता है हेड विभाग और एक होता है बॉडी विभाग। तो हेड में क्या आता है, टाइटल, और बॉडी विभाग में कंटेंट ऑफ बॉडी। उसके बाद HTML ना कितना नियम आपने जो लगे, सबसे पहला था कि वो फ्री फॉर्मेट भाषा है। उसके बाद मतलब ब्राउजर को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा, वो एरर मैसेज शो नहीं करेगा। उसके बाद वो केस इनसेंसिटिव, मतलब HTML कैपिटल में लिखा हो या HTML स्मॉल में लिखा हो तो वो दोनों को एक ही समझेगा, दोनों को अलग अलग नहीं समझेगा, उसको बोलेंगे केस इनसेंसिटिव, HTML केस इनसेंसिटिव है। हमें ब्राउजर में पीछे मल्टीपल स्पेसेस आपने आप ही दी हुए, मतलब देनी थी हमको एक स्पेस और हमने गलती से दे दी दो या तीन, या छोड़नी थी हमको एक सिंगल लाइन, हमने छोड़ दिया तीन चार लाइन एक साथ, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा की जो स्पेस है उसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। मतलब वो एक ही स्पेस काउंट करेगा, एक ही लाइन छोड़ी ऐसे काउंट करेगा उसको। और कमेंट देने के लिए टैग था एक, जिसमें टैग स्टार्ट करके जिसमें 8 GB निशान का हम लोग साथ में यूज़ किए थे हमने। अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं HTML का, जिसमें हमको क्या करवाना है, एक आउटपुट यानी कि एक वेब पेज बनाना है जिसमें ऐसा आउटपुट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है कि रेनबो एक वर्ड लिखा हुआ है, और वो क्या 6 बार हमको प्रिंट करवाना है। पर क्या करना है, सबसे ऊपर जो आएगा वो सबसे बड़ी साइज में आएगा, उसके बाद नीचे आएगा तो छोटी साइज, फिर छोटी साइज, और लास्ट में छठे नंबर पर जो आएगा वो सबसे छोटी साइज में आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HTML फाइल यानी कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमको नोटपैड स्टार्ट करना है अपने कंप्यूटर में। नीचे स्टार्ट मेन्यू में आप जाओगे, वहाँ पे NO लिखोगे तो नोटपैड आपको दिखेगा वहाँ पर, उस पर डबल क्लिक करोगे तो आप नोटपैड ओपन कर सकते हो इसे। अब नोटपैड स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने पहले ही कहा था कि HTML डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, HTML टैग से, और एंड कहाँ पे होगा, एंड HTML टैग, यानी HTML टैग जो हमने पहली लाइन में स्टार्ट किया था उसको आखिरी लाइन में बंद करना है। अब हम जो भी लिखेंगे HTML में वो दो टैग के बीच में लिखेंगे। अब HTML डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें दो दो पार्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहला होता है हेड विभाग और दूसरा होता है बॉडी विभाग। ये भी IMP क्वेश्चन है। HTML डॉक्यूमेंट होता है HTML दस्तावेज जो, उसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है
हेड पार्ट यानी कि हेड विभाग, और दूसरा होता है बॉडी विभाग। अब हेड विभाग का हम पहले डिफाइन करेंगे एचटीएमएल का। तो हेड विभाग स्टार्ट किया है और एंड किया, उसके बीच में हमको एक वेब पेज का टाइटल देना है, जिसमें हमको ब्राउजर में एक टाइटल दिखे वेब पेज का, तो वो आएगा। हमको टाइटल टैग का यूज़ करना है टाइटल देने के लिए। टाइटल टैग स्टार्ट किए और जो हमको टाइटल देना है हम वो उसके बीच में लिखेंगे, यानी कि अबाउट रेनबो हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, तो अबाउट रेनबो लिखे और उसके बाद टाइटल टैग को हमने बंद कर दिए, तो क्या होगा, इसका टाइटल आ जाएगा हमारे वेब पेज में। अब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी विभाग। तो बॉडी विभाग हम डिफाइन करेंगे, पहले बॉडी टैग स्टार्ट किए हैं और बॉडी टैग बंद कर दिए। अब इसके बीच में हमको ये जो कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, रेनबो की पैटर्न बनानी है, वो पैटर्न हम यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या, हमने हेडिंग टैग के यूज़ किए, यहाँ पे अलग अलग हेडिंग दिए। यहाँ पे तो सबसे पहला टैग है हेडिंग का H1। H1 जैसे टोटल 6 टैग है हमारे पास, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। अब H1 में जो लिखेंगे रेनबो हम लोग, यानी जो भी लिखा है हमने रेनबो लिया है यहाँ पे, आप H1 में जो भी लिखोगे वो सबसे बड़ी साइज में दिखेगा आपको, H2 में उससे छोटा हो जाएगा, H3 में उससे छोटा हो जाएगा, और सबसे छोटा आएगा H6 में। ये भी IMP क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सबसे बड़ा हेडिंग देना है अगर हमको, तो हम कौन सा टैग का यूज़ करेंगे। आपको एक आपको दिए होंगे ऑप्शन H1, H4, H6, H5 ऐसे, तो वहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा हेडिंग देने के लिए H1 का यूज़ करेंगे और सबसे छोटा हेडिंग देने के लिए H6 का यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आया इतना। अब H1 स्टार्ट किए उसमें लिखे रेनबो, H1 बंद किए, H2 स्टार्ट किए H2 में लिखे रेनबो, H2 भी बंद किए, ऐसे H6 तक हमने क्या किए, टाइप किए, उसके बाद बॉडी टैग बंद किए और HTML टैग बंद किए। अब ये फाइल हमारी बन गई है, तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाना है नोटपैड में, और वहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, और शॉर्टकट की क्या है इसकी, Ctrl+S। सेव करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+S। अब जिसे ये दबाओगे तो आपको फाइल का नाम पूछेगा। तो अब HTML का हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि HTML डॉक्यूमेंट जो फाइल का नाम हो वो फाइल का नाम आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे फाइल का नाम फाइल 1, फाइल 1 नाम दिया हमने, और पीछे .html लगाना कंपलसरी। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, पर पीछे .html लगाना कंपलसरी, तभी फाइल क्या होगा उसका आउटपुट दिखेगा, वरना आउटपुट नहीं दिखेगा हमको। फाइल का नाम और पीछे .html, ये भी IMP क्वेश्चन है कि HTML की जो हम फाइल बनाएंगे उसमें एक्सटेंशन क्या लगेगा, पीछे फाइल के पीछे जो डॉट करके लगा के उसको बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन। तब HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या आएगा, .html, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आ गया इतना एग्जाम्पल। उसके बाद आगे देखेंगे तो लखाणी सुघड़ता वधरता टैग, यानी कि कुछ कंटेंट हमने टाइप किया है उसको थोड़ा अच्छा करना है हमको, अगर उसको लुक वाइज बेटर बनाना है अगर, तो हम क्या करेंगे, ये सब टैग का यूज़ करेंगे, वन बाय वन देखेंगे सब। सबसे पहला टैग है पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ टैग, पी फॉर पैराग्राफ, यानी कि पी टैग स्टार्ट करना है और पी टैग बंद करना है। अब इसके बीच में हम दो टैग के बीच में जो भी लिखेंगे, पी टैग स्टार्ट और पी टैग बंद किया वो दोनों के बीच में, तो वो जो भी लिखेंगे हम वो क्या होगा, पैराग्राफ के फॉर्म में आएगा, फकराना फॉर्म में उसे। तो पी टैग लखाना फकरा 100 रुपये वोट हुए थे। उसके बाद बी आर टैग, बी आर ए ब्रेक नुटू को नाम थे, बी आर फॉर ब्रेक, बी आर लेके, बी आर टेक तेना पछी आवता लखाण नवी लीटी में दर्शावे छे। अब आपको मल्टीपल आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, और मल्टीपल लाइंस में क्या करना है आपको, आपने कुछ कंटेंट लिख लिए, फिर आपने 5 वर्ड लिखे, और उसके बाद आपको करना छठा वर्ड उसके बाजू में नहीं आना चाहिए, उसके नीचे वाली लाइन में, नई लाइन में आना चाहिए। तो नई लाइन में आएगा तो क्या करना है आपको, उसके लिए बी आर लिखना होगा, 5 वर्ड लिखे उसके बाद बी आर लिखोगे और उसके बाद छठा वर्ड लिखना, तो क्या करेगा ऑटोमेटिक नई लाइन में आ जाएगा। उसके बाद बी टैग, बी टैग बोल्ड करने के लिए, बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क करने के लिए, आ टैग लखाने घाटा 100 रुपये दर्शावे छे। उदाहरण तरीके बी बी टेक स्टार्ट किया उसमें लिखा है कंप्यूटर, तो बी टेक बंद किया है उसका आउटपुट जो आएगा उसमें क्या होगा, कंप्यूटर वर्ड जो बी टेक में लिखा हुआ है वो थोड़ा डार्क होगा, जो नॉर्मल वर्ड होते हैं हमारे उससे थोड़ा डार्क दिखेगा, बी फॉर बोल्ड, जैसे हम वर्ड एक्सेल में करते हैं वैसे। उसके बाद यू, यू फॉर अंडरलाइन, आर टेक लखाण अमुक अगत्यना शब्द नीचे लीटी दौरवा माटे उपयोगमां लेवाय छे। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यू टेक आएगा, यू टेक कंप्यूटर, और यू टेक बंद करना है, उसके बाद क्या होगा आउटपुट,
कंप्यूटर वर्ड जो हमने यू टाइप के बीच में लिखा है उसके नीचे क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा ना, टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना है अगर हमको, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, यू टाइप, बी फॉर बोल्ड, यू फॉर अंडरलाइन। उसके बाद है आई टैग, तो 5 नंबर पर आएगा आई टैग। आई टैग का मतलब क्या होगा, इटैलिक, लखाणा अमुक अगर तेना शब्द तरफ ध्यान खींचवा माटे तेना त्रासा એટલે કે ઇટાલિક ઠબે છાપવા માટે આ ટેગ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એક્ઝામ્પલ દેખ સકતો આપ, આઈ ટેગ કા યુઝ કિયા હે, ઉસમે લિખા હે કમ્પ્યુટર, આઈ ટેગ બંધ કિયા હે ઉસકા આઉટપુટ ક્યા આયેગા, કમ્પ્યુટર લિખા હુઆ આયેગા તો થોડા ક્રોસ આયેગા, વો ઉસકો બોલેંગે ઇટાલિક, આઈ ફોર ઇટાલિક। ઉસકે બાદ એસ ટેગ અથવા સ્ટ્રાઇક ટેગ, દોનો મેસે કિસી ભી જિસકા ભી યુઝ કરના હે આપ યુઝ કર સકતો હો, સ્ટ્રાઇક કા ભી યુઝ કર સકતે હો ઓર એસ એસ ટેગ કા ભી યુઝ કર સકતો હો। તો આ એલિમેન્ટ ના લખાણ ના શબ્દ લખ્યા પછી છેકી નાખ્યા હોય તે રીતે દર્શાવવા માટે પાતળી લીટી સાથે છપાય છે। અહીં એસ અર્થાત સ્ટ્રાઇક થાય છે, એસ કા મતલબ ક્યા હોગા યહાં પે, સ્ટ્રાઇક। અબ એક્ઝામ્પલ દેખ સકતે હો, એસ ટેગ મેં લિખા હે કમ્પ્યુટર ઓર બાદ મેં ઉસકો એસ ટેગ કો બંધ કિયા હે, ઉસકા આઉટપુટ ક્યા આયેગા, કમ્પ્યુટર લિખા હુઆ આયેગા पर वो कैसा दिखेगा, जैसा उसको छेका हुआ, उसके ऊपर एक आड़ी लाइन दिखेगी। सबसे पहला जबकि टैग पैराग्राफ के लिए, बी फॉर लाइन ब्रेक करने के लिए लेकिन नई लाइन में आने के लिए, बी आर टैग, उसके बाद था बी टैग बोल्ड करने के लिए डार्क, उसके बाद था यू टैग अंडरलाइन देने के लिए, उसके बाद आई टैग इटैलिक करने के लिए, उसके बाद एस टैग स्ट्राइक करने के लिए यानी कि लाइन आड़ी लाइन करने के लिए उसके ऊपर। उसके बाद देखेंगे तो एंकर टैग એટલે કે વેબ પેજ ને અન્ય વેબ પેજ સાથે સંકળવા માટેનો ટેગ। અબ હમકો અપને વેબ પેજ પે એક લિંક ડાલની હૈ કિસી ઓર પેજ કી, જૈસે કે આપ લોગ અભી વિડિયો દેખને કે બાદ એક્ઝામ દોગે તો એક્ઝામ મે ક્યા હોગા, આપકો એક વોટ્સએપ ગ્રુપ મે આપકે એક લિંક આયેગી, જૈસે આપ ઉસ પે ક્લિક કરોગે તો આપકે આપકા વો પેજ ઓપન હોગા જિસ પે આપકો એક્ઝામ દેની હો। તો વો ક્યા હોતા હૈ, બ્લુ કલર કી જિતની ભી હોતી હૈ વો સબ ક્યા હોતી હૈ, લિંક હોતી હૈ। મતલબ ક્યા હૈ, વો ઉસ એક્ઝામ કે પેજ કા એડ્રેસ હૈ, વો उस एग्जाम के पेज का क्या है एड्रेस, जैसे ही आप उस एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक उस पेज पे पहुंच जाओगे। घनी बार वेब पेज में संपूर्ण माहिती नो समावेश शक्य न हो अने कोई एक मुद्दा पर विशेष खुलासा की जरूरियात हो तेवा संजोगों में ते मुद्दा की माहिती अन्य वेब पेज में दर्शाने वेब पेज ने हाइपरलिंक से सांकड़ी सकाय, हाइपरलिंक तरीके ओळखवामां आवे छे। हाइपरलिंक मतलब क्या, हमको किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मालूम देनी है किसी को, यानी कि हमारी अपनी वेबसाइट पर डालनी है अगर, तो वो मालूम है 3 पेज की, अगर हम अपने वेबसाइट में 3 पेजेस बढ़ा नहीं सकते अपने वेबसाइट का लोड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे वर्ड फाइल, जिसमें हम क्या करेंगे उस फाइल में वो 3 पेज का हम कंटेंट लिख देंगे और उस फाइल की लिंक हम दे देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा वो लिंक कितना होगी, 1 लाइन की लिंक होगी, पर उसमें कंटेंट कितना होगा, 3 पेजेस का, 3 पेजेस का कंटेंट होगा उसमें, और वो दिखेगा कितना वेबसाइट पर, 1 लाइन में ही, मतलब 3 पेज का काम कितने में हो गया, 1 लाइन के अंदर। तो वो क्या करेगा, जैसे ही लिंक दिखेगी उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो 3 पेज की एक फाइल ओपन हो जाएगी। अब वो फाइल कैसे हम अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं वो देखेंगे एग्जांपल में नीचे। अब देख सकते हो एग्जांपल के ए टैग, एंकर टैग का, ये एंकर टैग का नाम क्या है, टैग का नाम ए टैग। अब ए टैग में आपको स्पेस देने के बाद एचरेफ करके लिखा हुआ है, एचरेफ इक्वल टू डबल कोट में लिखा है फाइल डॉट एचटीएमएल। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम लिंक देंगे उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल ओपन होनी चाहिए, वो फाइल का नाम यहाँ पर हमको देना है। एच रेफ इसका मतलब क्या है, हाइपरलिंक रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस, रेफ का मतलब क्या होगा, रेफरेंस। इसका मतलब हमने आगे देखेंगे अभी, तो जैसे टैग हमने बंद किए फाइल डॉट एच टी एम एल लिखे टैग बंद किया, उसके बाद लिखा है क्लिक हियर टू विजिट हियर योर फ्रेमबो, उसके बाद ए टैग हमने बंद किया, इसका मतलब क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे क्लिक हियर टू विजिट हियर योर फ्रेमबो ये चीज़ एक लिंक के फॉर्म में दिखेगी। आउटपुट कैसा आएगा इसका, वो चीज़ एक लिंक के फॉर्म में दिखेगी और लिंक जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फाइल डॉट एच टी एम एल ये नाम की एक फाइल ओपन होगी। क्लियर हुआ है इतना, एच रेफ इक्वल टू जो भी देंगे फाइल का नाम हम लोग, वो फाइल वहाँ पे ओपन होगी और टैग के बीच में जो लिखेंगे हम वो कंटेंट एक लिंक के फॉर्म में दिखेगा। वो कंटेंट क्या होगा, एक लिंक के फॉर्म में दिखेगा, ब्लू कलर का अंडरलाइन क्या हुआ आपको दिखेगा, तो वो क्या है, एक लिंक है। जैसे ही उस पर क्लिक हो करेगा कोई भी यूज़र तो क्या होगा, उसके सामने एक नई फाइल ओपन होगी जिसका नाम है फाइल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा हुआ थियोरिकली, उसके बाद एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगा आपका ये चैप्टर, उसके बाद पूरा